तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। और अगर आपने मेरी आज की सुबह वाली वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि भैया जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं इस समय इंडियन क्रिकेटर से बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं, और ऐसा मैं क्यों कह रहा था अब तुम्हें बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे तुमको मैं एक और तड़के वाली बात बताऊं कि ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर जल रहे हैं ना इंडियन क्रिकेटर से, ये इंडिया की मेंस टीम से नहीं जल रहे हैं, इंडिया की वुमेन्स टीम से जल रहे हैं। और इसी में सबसे बड़ी तड़के वाली बात ये है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है वो मेंस टीम ही है लेकिन वो जल रहे हैं हमारी वुमेन्स टीम से। मैं जानता हूं कि तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं तुम्हें बता देता हूं कि आखिर पाकिस्तान के क्रिकेटर इंडिया की वुमेन्स टीम से क्यों जल रहे हैं। अब जैसा कि तुमको पता होगा भैया कि पीएसएल चालू हो चुकी है, एक दो दिन हो चुका है, और सेम टाइम पे जो भैया वुमेन्स की आईपीएल है उसके ऑक्शन चल रहे हैं हमारे देश में। और जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि उस ऑक्शन में जो सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं उसमें सबसे टॉप पे आती हैं स्मृति मंधाना, सही बात है, जिनको आरसीबी ने खरीदा है 3.4 करोड़ में। तो इसी को लेके भैया पाकिस्तान क्रिकेटरों की पीएसएल में फटी पड़ी है, वो लोग भैया आपस में लड़ने में लगे हैं कि देखो इंडिया में वुमेन्स आईपीएल में वुमेन जितने प्राइस में बिक रही हैं, हमारे वहां हमारी पीएसएल जो हमारी सबसे मेन लीग है उसके जो मेंस हैं वो भी इतने महंगे नहीं बिकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर भी होते हैं ना, चाहे आपके शाहीन अफरीदी हो गए, चाहे आपके बाबर आजम हो गए, ये भी भैया ऊपर जाके भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ में महंगे सबसे ज्यादा यही बिकते हैं। उसके बाद तो नीचे भैया लाखों में मामला आ जाता है, 40 लाख 50 लाख 15 लाख 10 लाख 100 रुपए 50 रुपए। और यहां देखो स्मृति मंधाना और बाकी इंडिया क्रिकेटर देखो 2 2 2.5 2 3 4 करोड़ में बिक रहे हैं। मतलब स्मृति मंधाना जितने भी बिकी हैं उसके आधे में भी पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर नहीं बिका है। इसीलिए भैया जाहिर सी बात है कि काहे क्रिकेटर इतना पीएसएल खेलना प्रेफर नहीं करते हैं। यहां भैया सैम करन हमारे 18 18 स्टोक हमारे 16 16 करोड़ में बिक रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी टीम आ जाती होगी इनकी, पूरी टीम क्या मैं तो कह रहा हूं पूरी पीएसएल हो जाएगी सैम करन की प्राइस में। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भैया एटीट्यूड देखा है तुमने इन लोगों का। और लगे हाथ में तुमको भैया एक और मजाकिया बात यहां पे बताई देता हूं कि जैसे आईपीएल में बोली लगती है भैया, बड़े बड़े बिजनेसमैन एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह जितने भी होते हैं सब बोली लगाने आते हैं ना भैया कि 10 करोड़ 12 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़ 25 लाख का अर्जुन तेंदुलकर, ऐसे करके जितने भी लोग बोली लगाते हैं कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, पूरा ऑक्शन होता है भाई, जिसके पास पैसा है उड़ाओ साला। लेकिन पीएसएल पता है क्या होता है, एक शीशे में भैया चिट्ठी डाल दी जाती है, कहते हैं आओ भैया उठाओ, जिसका जो प्लेयर निकलेगा वो तुम्हारा। अब तो पीएसएल ने भाई बस इतना ही देखना रह गया कि एक प्लेयर को खड़ा किया जाएगा, उसके पीछे उंगलियां निकाली जाएंगी और वो बोलता रहेगा भैया ये नंबर इसका वो नंबर इसका, वरना वो भी नहीं हुआ तो भैया भाई रजनीगंधा वगैरह का पैकेट लाएंगे, इंग्लिश हिंदी करेंगे, उसी से इनका टॉस हो जाएगा। जब बेइज्जती है। लेकिन इसके आगे चले तो क्या तुम्हें पता है कि रवि शास्त्री ने भैया ऑस्ट्रेलिया वालों को बहुत बड़ा बेवकूफ कह दिया है। क्यों कहा है, कसम से तुम सुनोगे ना तो भाई तुम एक अलग ही लेवल पे प्राउड फील करने लगोगे। और अगर तुम रोहित शर्मा के फैन हो तो ये बात सुन के ना तुम्हें मजा ही आने वाला है भाई। पर वो देखने से पहले देखो भाई, इस समय सारे ही शहर में बस एक ही चर्चा है प्रिडिक्शन गेमिंग की। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग एक्सचेंज और फास्टेस्ट गेमिंग साइट खिलाड़ी.com, जो देता है आपको 1300% का बोनस आपके पहले डिपॉजिट पे। और यही नहीं, यहां आपको मिलता है कैश विड्रॉल सिर्फ 30 मिनट में, वो भी आपके हर प्रिडिक्शन पे। तो भाई बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से खिलाड़ी.com को चेकआउट करो, क्योंकि इतनी इजी प्रिडिक्शन करके इतनी आसानी से पैसे कमाने का तरीका कोई भी और प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है। अभी जाओ, 1300% का बोनस भाई ये कोई नहीं दे सकता, मतलब 100 200 तो सुना होगा लेकिन 1300% का बोनस, 1000 + 300 होता है 1300। मैं बता दूं अगर किसी को भैया ये समा नहीं पा रहा इस बात को, तो अभी जाके खिलाड़ी.com को चेकआउट करो। और मैं बता दूं जो खिलाड़ी.com की वेबसाइट है हिंदी में भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, अभी जाओ खिलाड़ी.com को चेकआउट करो, क्योंकि भैया अगर आप हैं सबसे बड़े खिलाड़ी तो खिलाड़ी.com पे खेलना बनता है ना। तो जैसा मैं कह रहा था कि भैया रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को बेवकूफ कह दिया है, ऐसा क्यों कहा है मैं तुमको बताई देता हूं। क्योंकि भैया रवि शास्त्री कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत सोच रहे हैं विराट कोहली के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अश्विन के बारे में कि भैया विराट कोहली को आउट कैसे करेंगे और अश्विन से आउट होने से कैसे बचेंगे। और बहुत ही शानदार तरीके से बचे थे वैसे तो पहले टेस्ट मैच में, मतलब कि उनके प्लेयर पिच पे ही नहीं बच पा रहे थे। पर जैसा मैंने कहा कि भैया रवि शास्त्री ने कहा कि जहां ये लोग कोहली अश्विन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, इन्हें असल में सोचना चाहिए था
रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है कि भले ही हो सकता है वो सारे मैच में नहीं चले, लेकिन अगर किसी भी मैच में रोहित शर्मा चल रहे हैं तो वो जिस तरीके से रन बनाते हैं, जितनी तेजी से रन बनाते हैं, तो आधा मैच वो इंडिया का अपने साइड ही खींच लेते हैं। इसलिए जितना इनको रोहित के मुकाबले भैया कोहली और अश्विन से नहीं डरना चाहिए था, उससे ज्यादा इनको रोहित से डरना चाहिए था। और बात अगर ध्यान से सोची जाए जो रवि शास्त्री कह रहे हैं तो बहुत हद तक सही भी कह रहे हैं। इवन रवि शास्त्री ने यह भी कह दिया कि रोहित शर्मा जो है आज की इंडियन टीम के वीरेंद्र सहवाग है। जैसे सहवाग हुआ करते थे ना, सिंपल सा भैया सहवाग के लिए कहा जाता था, देखो अगर सहवाग चल गया ना तो आधा मैच तो अपना है। उसी तरीके से भैया आज के टाइम पे ये कहना सही होगा कि रोहित शर्मा भी कुछ उसी तरीके के प्लेयर हैं कि अगर शुरुआत में रोहित शर्मा ने हल्ला बोल दिया तो मैच अपना है। भाई हमने देखा पहले टेस्ट मैच में सिर्फ रोहित शर्मा चला था, मतलब नीचे टेलेंडर्स वगैरह चल गए थे, ऑलराउंडर चल गए थे हमारे जडेजा अक्षर पटेल, लेकिन रोहित शर्मा जब ऊपर चला ना भाई इतना आसान कर दिया खेल, उतने इतनी तेजी से रन मारे कि आधा खेल तो वहीं अपना हो गया था। बात सही है। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो रवि शास्त्री की बात से एग्री करते हैं भैया, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे भी आगे चलें तो भैया कल के दिन ही एक बहुत ही ज्यादा फनी चीज देखने को मिली। अब जैसा कि आप में से कईयों को पता होगा, मतलब शायद सभी को पता होगा, कल के दिन था वैलेंटाइन डे, कौन कौन भैया बाहर निकला था अपने के साथ कमेंट में ये भी बता देना, लगे हाथ भैया थोड़ा कोर्ट में बता देना भले ही। और सेम टाइम पे जैसा मैं कह रहा कि भैया जो स्टीव स्मिथ है, जैसा कि आप जानते हैं वैलेंटाइन डे था, तो स्टीव स्मिथ ने भैया ट्विटर पे जाके ट्वीट करा अपनी पत्नी वगैरह को टैग करके कि भैया तुम ही हमारे जीवन का प्यार हो, दुलार हो वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे स्टीव स्मिथ से गलती हो गई कि उन्होंने अपनी वाइफ समझ के किसी और को टैग कर दिया था, और बाद में जाके स्टीव स्मिथ को लोगों ने कमेंट में बताया कि भैया जिसको तुम टैग किए तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई गैर लड़की है, उसको तुम कह रहे हो भैया वैलेंटाइन डे बना रहे हो उसके साथ, प्रैंक हो गया आपके साथ। इससे समझ में आता है कि भैया अभी तक जो पहले टेस्ट मैच की हार है उसको भुला नहीं पाए हैं, उसको पचा नहीं पाए स्टीव स्मिथ। पता नहीं भैया जब तक पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड होगी तब तक ना जाने स्टीव स्मिथ का क्या हो जाएगा। सही पकड़े हैं। चले अपनी अगली बात की तरफ, तो भैया दिनेश कार्तिक ने भी कल के दिन एक बहुत ही शानदार ट्वीट किया, जिसके लिए मैं ताली बजा के दिनेश कार्तिक को अप्रिशिएट करूंगा। दिनेश कार्तिक ने ट्वीट करते हुए, जैसा मैंने कहा कि जो भैया वुमेन्स प्रीमियर लीग होने वाली, यानी कि वुमेन्स की जो आईपीएल होने वाली है, उसके ऑक्शन चल रहे हैं, तो उस ऑक्शन में जो ऑक्शनियर थे, यानी कि जो ऑक्शन कराते हैं, वो असल में एक लड़की थी, और जानबूझ के बीसीसीआई ने एक लड़की को चूज किया था एक मैसेज देने के लिए कि ये जो आईपीएल होने वाली है ये सिर्फ महिलाओं के लिए होने वाली है, वुमेन्स के लिए होने वाली है, इसलिए इसमें जो ऑक्शन भी कराएगा वो भी एक वुमेन ही होगी। और इस चीज को जिसने असल में पॉइंट आउट किया, जिसने इस चीज के लिए बीसीसीआई को अप्रिशिएट करा, वो अकेले इकलौते दिनेश कार्तिक थे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इवन दिनेश कार्तिक ने उस लड़की की काफी तारीफ भी करी, उन्होंने कहा कि भैया क्या कमाल का ऑक्शन आपने किया है, बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी हम आपको देखते रहें। बाकी आपको जानना है कि वो कौन थी, तो भैया उनका नाम है मल्लिका सागर, जाके गूगल पे आप सर्च कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है समरिया। बाकी तब तक के लिए अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। चलो भाई, तो उनका नाम है लालू पटेल, जो पूछते हैं कि भाई मेरा एक सवाल ले लो, जब हमारे पास पुजारा कोहली अश्विन है तो राहुल क्यों वाइस कैप्टन है, टेस्ट में एक टेस्ट में इनसे किसी को भी बना देते वाइस कैप्टन, राहुल की जगह गिल आ जाता, राहुल आउट ऑफ फॉर्म में है और गिल फॉर्म में है तो गिल की जगह बनती है, प्लीज ये सवाल ले लो। तो भाई मैं आपकी बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूं। हां, जो आपने ऑप्शन दिए जैसे अश्विन का हो गया, वो क्यों वाइस कैप्टन नहीं बन सकते, इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी भैया बाहर के टूर होते हैं वहां पे अश्विन ज्यादातर खेलते नहीं है, जहां पे एक स्पिनर को खिलाना होता है, और हमने देखा है कि जडेजा ही ज्यादातर खेलते हैं, अश्विन भी खेलते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना चाहते हुए भी अश्विन को बैठाना पड़ता है। और जहां तक ऑप्शन रहा आपका भैया पुजारा का, तो मुझे लगता है पुजारा जरूर बन सकते थे, लेकिन जब केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाया गया था उस टाइम पे जो पुजारा थे वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो और बीच में भैया बाहर भी हो गए थे, इसीलिए उनको लगा कि केएल राहुल ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार भैया टीम के साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा टीम के साथ खेल भी चुके हैं अच्छा खासा, इसलिए उनको वाइस कैप्टन बना दिया। सहलेंगे थोड़ा सा। बाकी आपने तीसरा ऑप्शन विराट कोहली का भी दिया है, तो भाई देखो विराट कोहली जो है वो ऑलरेडी कैप्टनसी छोड़ चुके हैं, वाइस कैप्टन क्या बनेंगे। देखो वाइस कैप्टन सिर्फ पोस्ट को भरने के लिए बनाया जाता है, वाइस कैप्टन के पीछे एक पॉइंट ये भी होता है कि कल को जब वो कैप्टन नहीं होगा, आने वाले टाइम में जब कैप्टन रिटायर हो जाएगा, रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे, तो ये जो वाइस कैप्टन है ये टेक ओवर करेगा, और इसी बहाने ये वाइस कैप्टन रह के सीख भी लेगा भैया जो हमारा कैप्टन है वो कैसे कप्तानी कर रहा है, इसलिए वाइस कैप्टन बनाया जाता है। तो कल को रोहित शर्मा जाएंगे तो उसके आसपास तो विराट कोहली के जाने का भी टाइम आ जाएगा, अगर वो वाइस कैप्टन बन भी सकते होते तो भी बनने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कम से कम कोई ऐसा बंदा बने जो आने वाले टाइम में भैया रोहित शर्मा के बाद टीम की कप्तानी कर सके। और फिलहाल के लिए केएल राहुल से कोई अच्छी चॉइस दिख नहीं रही है,
आपने शुभमन गिल का भी ऑप्शन दिया है। शुभमन गिल भैया देखो बैटिंग जो लाने होते ना मैं कल ले आता, क्योंकि बंदा फॉर्म में, केएल राहुल फॉर्म में नहीं है। अब जाहिर सी बात है कुछ मैचेस में देखो केएल राहुल रन मार देंगे, लेकिन फिर भी अभी जैसा फॉर्म है देखो शुभमन गिल का, वो केएल राहुल से ज्यादा डिजर्व करते हैं, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन जैसा मैंने कहा कप्तानी तो भैया अभी वो भी नहीं कर सकते, उनको मैचेस कितने हुए हैं, इवन चाहे वनडे ओडीआई या वनडे ओडीआई कह रहा हूं, वनडे टी20 या टेस्ट की बात कर लें। लेकिन सही बात है, मुझे लगता है पुजारा की अगर थोड़ी चॉइस यहां पे कंफर्म है, सॉरी पोजीशन यहां पे कंफर्म है, तो वो यहां पे कैप्टन बन सकते थे। पर पुजारा की भी देखो एक ठीक ठाक एज हो चुकी है, और जब तक रोहित शर्मा जाएंगे पुजारा के जाने का भी टाइम आ जाएगा, तो केएल राहुल इस वजह से थोड़ी सी डिसेंट चॉइस लगते हैं। पंत जो थे मुझे लगता है कैप्टन बन सकते थे, पर पंत के साथ तो अलग ही कांड हो रखा है, और पंत का थोड़ा सा फॉर्म भी डाउन गया, तो इनके माइंड में भी आने लगा भैया जब पंत कैप्टन बने कहीं और कुछ कांड ना हो जाए, इसीलिए केएल राहुल को भैया वाइस कैप्टन बना रखा है, कोई चॉइस ही नहीं है। वैसे सवाल बहुत ही कमाल का पूछा है, जो भी वीडियो देख रहा है आप लोग के हिसाब से अगर केएल राहुल को वाइस कैप्टन नहीं बनाया जाता तो किसे बनाना चाहिए था, जो भैया परमानेंटली टीम के साथ रहता भी और आने वाले फ्यूचर में वो 4-5 साल कम से कम टीम की कैप्टेंसी करने के लिए भी अवेलेबल रहता। जो बहुत कठिन सवाल है भाई, बहुत ही लॉजिक वाला सवाल पूछा है, तो जो भी इस बात पे आपका जवाब है कमेंट में जरूर बताना। जो भी वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ भैया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है किसका, khiladi.com का, अभी जाइए भैया khiladi.com को चेकआउट करिए, क्योंकि भैया सबसे बड़े खिलाड़ी जो है वो यही खेलते हैं। इतनी इजी प्रेडिक्शन करके लाखों रुपए कहां से कमाओगे भैया, अभी जाओ khiladi.com को एक बार चेकआउट करके देखो, कसम से मजा आए तो पैसा वापस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी वीडियो देख रहा है अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।